हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम टू इंडियन ड्राइविंग स्कूल। गाइस, आज मैं बात कर रहा हूँ अंडरग्राउंड पार्किंग की। जैसे लोग मॉल्स वगैरह में जाते हैं शाम को, तो उनको पार्किंग वगैरह में काफ़ी दिक्कत आती है जो नए बिगिनर्स हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे उन बात में, एंड क्या प्रोसीजर है, क्या वे है, बेस्ट तरीका क्या है गाड़ी निकालने का वहाँ से या लगाने का? क्योंकि जब ढलान आती है तब लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ब्रेकर होते हैं दो तीन, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे गाड़ी बंद हो जाती है। ओके, एंड जब वापस जा रहे होते हैं तो अंडरग्राउंड से जब चढ़ाई आती है तो गाइस लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो यहाँ पे एलांटे से अच्छी कोई जगह नहीं है उस चीज़ को समझाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ एलांटे, थोड़ा शाम का टाइम है, वहाँ पे जाम भी पक्का मिलेगा, तो थोड़ा सा जाम के बारे में भी आपको बता ही दूंगा। जैसा आप सामने दिख ही रहा है कि गाड़ियां लगी हुई हैं, कई लोग हैं गाड़ियां मोड़ने के चक्कर में खड़े रहते हैं। तो मॉल्स वगैरह के टाइम ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है। तो ये वीडियो होपफुली आपको पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी, किस चीज में आपको परेशानी आती है, उस चीज का भी मैं रिप्लाई करूंगा बेस्ट टाइम निकाल के। तो अभी मैंने लगाया है फर्स्ट गियर, मैं छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे क्लच, एंड हल्का सा पैर है मेरा रेस से मैं हटा भी लेता हूँ, लगा भी सकता हूँ, मर्जी है। क्लच दबाऊंगा, ब्रेक ले लूंगा, सिंपल एज दैट। तो यार आज तो छुट्टी भी नहीं है, मैंने छुट्टी वाला दिन भी डिसाइड नहीं किया था, कहीं मुझे ज्यादा भीड़ ना मिले। तो वीडियो में ज्यादा लंबी ना करना चाहता, क्या बोल रहा हूँ यार। तो हम जाएंगे बेसमेंट वाली पार्किंग में। यहाँ पे दो पार्किंग है बेसिकली, एक राइट साइड में ओपन पार्किंग, वहां पे भी उतने की पर्ची कटती है, अंडरग्राउंड पार्किंग में भी लगभग उतने की लगती है। तो जैसा कि आपको भीड़ नजर आ रही है, तो भीड़ में घबराए ना, धीरे धीरे चलें, कोई बात नहीं। हॉर्न वगैरह बजते रहते हैं, उनको इग्नोर करें, देखो हॉर्न मार के भी कहाँ चला जाएगा वो, तो जस्ट इग्नोर देम ऑल जितना हो सकता है, एंड हैव पेशेंस। हम निकाल लेते हैं साइड में, ये हैं सारे कैब वाले, ये कर रहे हैं अपने अपने बंदों का वेट। तो हमें तो आगे जाना है, हम निकाल लेते हैं, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। ओके, तो अभी हमारे लेफ्ट में है पार्किंग, हम यहां से मुड़ेंगे एंड फिर जाएंगे बेसमेंट पार्किंग में। तो थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान दें, गाड़ी की डिग्गी वगैरह चेक कर दें, ये एंड बॉम्ब वगैरह चेक करते हैं, गाड़ी के नीचे किसी ने कोई बॉम्ब ना रखा हो। पता नहीं मेरे को ये लॉजिक वैसे आज तक समझ नहीं आया, जिसको बॉम्ब ही लेके जाना है गाड़ी में रखना, भाई वो अंदर रख लेगा, नीचे कौन लगाता है? बाकी मुझे पता नहीं है क्यों करते हैं ये ऐसा, या मैं भी गलत हो सकता हूँ, आई डोंट नो। ये लो भाई, खोल दिया मेरी डिग्गी। तो अब आया जैसे पहला ब्रेकर या ढलान, तो मैं ब्रेक लूंगा, पहले ही ब्रेक ले लूंगा कि मुझे पता है, स्टेयरिंग कर लूंगा मैं सीधा, धीरे धीरे ब्रेकर है तो मैं क्लच छोड़ूंगा, रेस थोड़ी ज्यादा दूंगा, ठीक है, ताकि मेरा पहले वाला टायर निकल जाए, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं किया हुआ, क्लच दबाया है, ब्रेक लिया हुआ है, क्लच भी निकाल दिया नॉर्मल, अब मैं सिर्फ ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, गियर निकाल दिया, क्लच हटा दिया है मैंने, मैं नॉर्मल ब्रेक लिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि अब दिख रहा है मुझे ब्रेकर है, सामने भी गाड़ी खड़ी है, तो मैं ढलान में सिर्फ ब्रेक लगा के खड़ा हो जाऊंगा, बिकॉज मुझे ब्रेकर से आगे भी गाड़ी निकालनी है, ठीक है। तो जब ये गाड़ी क्रॉस कर जाएगी मैं तब अपनी गाड़ी आगे करूंगा। मैंने क्लच दबाया, ब्रेक छोड़ा एंड हल्की सी रेस भी दी साथ में, अब मेरी गाड़ी नॉर्मली क्रॉस हो गई थी। तो हमने टिकट ले ली अपने, अब मैं दोबारा फर्स्ट गियर लगाऊंगा, रेस थोड़ी ज्यादा दूंगा, परफेक्ट। अब
दोबारा रेस दूंगा। इनमें थोड़ा सा ये ध्यान में देने वाली चीज़ है, टिकट मैंने ले ली अपनी पार्किंग वाली, अब हमें जाना है बेसमेंट में नीचे, और तो मैं जा रहा हूँ दोबारा रेस देंगे। क्लच के ऊपर अपना ध्यान दे, क्लच मैंने हाफ ही रखा हुआ है और हल्की सी मैं रेस ज्यादा दे देता हूँ उस टाइम। लाइट अपनी ऑन कर लें एंड साइड में रखे गाड़ी, मैं एक बार साइड में कर रहा हूँ बिकॉज मेरे कैमरा की जो स्पेस है वो कम हो गई है। मैंने साइड में गाड़ी रोक ली है, लाइट्स मैंने ऑन कर ली है दोनों वाली ताकि लोगों को पता चल जाए। ओके गाइस, तो ऑल सेट अगेन, मैंने हैंड ब्रेक हटाया, ब्रेक मैंने दबाया हुआ है, फर्स्ट गियर लगाया एंड मैंने ब्रेक छोड़ दिया, तो मेरी गाड़ी अपने आप आगे जा रही है। ठीक है, तो मैंने अभी भी जब डाउन में होते हैं आप सिर्फ आपको ब्रेक के ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको रेस दबाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो और जब आप जैसे ये छोटे वाले ब्रेकर्स होते हैं इनका जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट गियर में लगाया मैंने, सब कुछ छोड़ दिया जैसे मैंने आपको पहले बताया था एंड वो गाड़ी अपने आप क्रॉस हो जाएगी, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है पार्किंग के ऊपर। हम पार्किंग लेफ्ट राइट दोनों कर सकते हैं, तो स्पेस आप पहले ध्यान में रखें, देख लें, धीरे धीरे चलते रहें एंड अगर कोई गाड़ी निकाल रहा है या कोई गाड़ी लग रही है तो आप उस चीज़ का पहले ही ध्यान रखें कि खाली स्पेस कहाँ पे है एंड हो सके पॉसिबली तो अपनी गाड़ी रिवर्स करके लगाएं, बिकॉज आपको निकलते टाइम, बिकॉज आप शाम को अगर लेट आए हैं तो फिर निकलते टाइम एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आप बैक करेंगे तो आपकी गाड़ी में टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, अभी आप जगह ही जगह है, वैसे मैं ऐसी कोई जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मुझे रिवर्स करके लगानी पड़े ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ओके, तो एक जगह मुझे यहाँ पे मिली है, अगर आपने पीछे नोटिस किया होगा तो बस होल्ड ऑन, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस वो है वो जगह होंडा सिटी और उसके पीछे लगा दी यार उसने इतनी देर में, पीछे एक बंदे ने गाड़ी लगा दी हमारी जगह पे, उसने इतनी देर छोड़ी नहीं, इतना वेट। मैं तो आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, वरना अगर आपको मौका मिलता है तो इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे साइड में गाड़ी खड़ी है, सॉरी साइड में एक जगह है जैसे ये वाली खाली जगह है गाड़ी और खंभे के बीच में, तो मैं इसमें आपको पार्किंग दिखा रहा हूँ। मैं आगे जाऊंगा इस खंबे से फर्स्ट गियर लगा के एंड गाड़ी रखूंगा, स्टेयरिंग रखा मैंने सीधा। ठीक है, अब मैंने डालना है रिवर्स गियर एंड मेरी गाड़ी का मैं इस शीशे में देख के अंदाजा लगाऊंगा एंड मैं अपना स्टेयरिंग सारा घुमा दूंगा। मेरी गाड़ी उसमें चली जाएगी, उसके बाद इतनी आने के बाद मैं देखूंगा अपने इस वाले शीशे में कि मेरी गाड़ी लग रही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि गाड़ी टच होगी तो आपको कुछ नहीं करना है उस टाइम पे, सिर्फ ब्रेक लेना है, फर्स्ट गियर लगाना है, थोड़ी सी गाड़ी आगे करनी है एंड देन रिवर्स करके दोबारा से सारा स्टीयरिंग लेफ्ट को लेना है एंड अपनी गाड़ी बैक कर देंगे। सिर्फ मैं सिर्फ शीशों में देख रहा हूँ, मैंने अभी तक गर्दन हुआ के नहीं देखा था, अब मुझे देखनी पड़ेगी ताकि मैं वो चीज़ खंभों में ना टकराऊं जो पार्किंग वाले खंभे बने हुए हैं। ओके, एंड गाड़ी सीधी करने के लिए अब मैं स्टीयरिंग दोबारा से सारा का सारा लेफ्ट साइड को टर्न कर रहा हूँ। आई डोंट नो, थोड़ा सा अंधेरा है, आपको व्यू कैसा मिल रहा होगा, गाड़ी का साइलेंसर बज चुका है, तो अब गाड़ी सीधी खड़ी करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्टमेंट कर लूंगा एंड कोशिश रखें कि आपकी गाड़ी, मतलब आपकी गाड़ी का फेस अपोजिट साइड पे हो ताकि
आपको निकलने में कोई परेशानी ना हो। एंड अगर आपके साथ कोई पैसेंजर है तो उसको पहले ही उतार दें ताकि आपको गाड़ी लगाने में थोड़ी सी आसानी हो। तो कीप वॉचिंग एंड ड्राइव सेफ। थैंक यू।